मम्मी जी, ये क्या, ये बैग, आप कहाँ जा रही हैं? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? जिस घर में मेरी औलाद नहीं रह सकती, मुझे भी वहां नहीं रहना। मम्मी जी प्लीज प्लीज ऐसा ना कहिए, शिराज कहीं नहीं जाएगा, हम सब उसको मना लेंगे ना। अब बहुत देर हो चुकी है बहू, मैं फैसला कर चुकी हूँ। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी मम्मी जी। हटो मेरे रास्ते से। नहीं मम्मी जी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, प्लीज। शेराज, तारिक, सनिया, सारा, सारा, सनिया। क्या हुआ? तारिक, ये देखो, मम्मी जी घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए, और तुम लोग को फिक्र ही नहीं है। कम ऑन मामा, आप ऐसे कैसे हमें छोड़कर जा सकती हैं? जब तुम लोगों ने एक ही घर में रहकर मुझे खुद से दूर कर दिया है, तो क्या फायदा मेरा इस घर में रहने का? जिस घर में आए दिन रिश्तों का खून होता हो, वो घर घर नहीं रहता, बल्कि खाली मकान बन जाता है। मामा, प्लीज आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपको पता हम आपसे कितना प्यार करते हैं, और आपके बिना ये घर कितना सोना लगेगा ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। मामा प्लीज डोंट डू दिस। तो क्या शेराज के बगैर रह जाएगी कोरोना किस घर में? अरे उसके जाने के बाद भी तो ये घर मुझे काटने को दौड़ेगा। इस घर के किसी भी फर्द के बगैर ये घर अधूरा है। अगर तुम लोगों को मैंने अपने से अलग करना होता, तो क्या तुम्हें रुखसत नहीं करती मैं? क्यों हमाद को घर दामाद बनाकर रखती इस घर में? अरे तुम तीनों ही तो मेरे जीने का सहारा हो, तुम तीनों को देख देख कर ही तो मैं जीती हूँ। तुम लोगों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ बेटा, मैं कुछ नहीं हूँ। I'm sorry मामा, आप भी घर छोड़कर नहीं जाएंगी, मैं भी यहीं रहूँगा, हम सब साथ साथ रहेंगे। और अब मैं और शिराज कभी नहीं लड़ेंगे। अब इधर आ, गले लग भाई के, मामा के पास खड़ा है। ये क्या हो गया? उफ, बड़ी ड्रामेबाज सास है मेरी, क्या चाल चली है इसने। अच्छा खासा शराज घर छोड़कर जा रहा था। चल हमाद बेटा, अब तू भी इस ड्रामे का हिस्सा बन जा, क्योंकि ये दोनों करण अर्जुन तो फिर से एक हो गए हैं। सॉरी तारिक भाई। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे से लिए बेकरार हम।